सो हाई एंड हेलो, आई एम राधा गोस्वामी। दिस इज माई फर्स्ट वीडियो न्यू चैनल ऑन यूट्यूब। जैसे कि आप देख रहे हो, बड़ा मुश्किल है यूट्यूब पर पहली वीडियो बनाना। तो कुछ चीजें मैं घर में यूज कर लेती हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना आज उस पर वीडियो बनाऊं। इतने टाइम से सोच रही हूँ कुछ करूँ, लॉकडाउन में क्या करें। तो आज मैं जो बताने वाली हूँ कि कैसे घर में स्मूथनिंग और रिवॉन्डिंग का प्रोसीजर आप यूज कर सकते हैं और उसका रिजल्ट भी अच्छा आएगा। तो आप मेरे ये हेयर देख रहे हैं, मैंने स्मूथनिंग का प्रोसीजर यूज किया हुआ है, स्मूथनिंग मैंने कराई है, बट मेरे ये जो न्यू बॉर्न हेयर हैं इन्हें कोई नहीं रोक सकता बढ़ने से। तो मैं जो एप्लीकेटर आज यूज करूंगी सिर्फ इन न्यू हेयर्स पे यूज करूंगी। आप देख सकते हैं मैं वेव आया हुआ है, यू कैन सी द वेव। ओके, सिर्फ मैं अपने हेयर्स पर 2-2 इंची या 3-3 इंची पर ही क्रीम अप्लाई करूंगी, सिर्फ इतने पर यूज करूंगी ये क्रीम। तो इसके लिए जो मैं प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ वो है एक ये शॉस्कॉप का हेयर स्ट्रेटनर है। पहले मैंने क्रीम यूज करी थी, अपनी सिस्टर को स्मूथनिंग किया है मैंने, तो उसमें से ये प्रोडक्ट बच गया था। तो ये स्ट्रेटनर है शॉस्कॉप ग्लैट का। न्यूट्रलाइजर मैं यूज कर रही हूँ लॉरियल एक्सटेंशो का, ये भी उसके पैक में से बच गया था। ये 2-2 के पैक आते हैं, हेयर स्ट्रेटनर प्लस न्यूट्रलाइजर, ठीक है। तो पहले हमें हेयर स्ट्रेटनर, ये शॉस्कॉप का, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। ये फ्रंट में चाहिए, फ्लिप्स पे मुझे चाहिए अपना इफेक्ट, एंड बैक पे जो छोटे छोटे टिनी हेयर्स हैं लाइक दिस, इन पे मुझे यूज करना है। तो मैं जल्दी से ये रेडी कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मैं पहले अपने हेयर को इधर से टाई कर लूंगी, मैं हाथों से ही अप्लाई करूंगी। अगर आप यूज कर रहे हो, ग्रिप हेयर्स पर यूज कर रहे हो, तो कोशिश करना कि ग्लव्स पहन लो, क्योंकि बाद में थोड़ी सी इचिंग होने लगती है। तो मैं अप्लाई कर रही हूँ थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट लेके हेयर्स पर। आईज में बहुत चुभता है, ये बहुत गंदा, किसी की हेल्प लेना ज्यादा बेटर होता है, लेकिन कोई नहीं है अभी मेरे पास हेल्प के लिए। और फिर उसे समझाना कैसे कैसे अप्लाई करना है, दैट्स लिटिल डिफिकल्ट। इसमें से स्मेल बहुत गंदी आती है। प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं मतलब शॉस्कॉप के। ऑलमोस्ट 6-10 हो चुके हैं शाम के। कोशिश करनी है कि ये 5 मिनट, मैक्सिमम 5 मिनट में लग जाए। अगर आप पूरे हेयर्स पे भी अप्लाई कर रहे हो तो इसे 10-15 मिनट लगाने के बाद, पूरा प्रोसेस अगर 10-15 मिनट में आपका खत्म हो रहा है तो इसे आधे घंटे रखना है। अगर आपके हेयर्स ज्यादा फ्रिजी नहीं है तो आप जस्ट 15-20 मिनट भी रख सकते हो। हेयर स्ट्रेटनर मैं यूज कर चुकी हूँ बालों में, मैंने सिर्फ इतने इतने पोर्शन पर क्रीम यूज करी है। स्कैल्प से 1/2 इंच बचाकर कोई भी क्रीम यूज करनी है, ताकि वो स्कैल्प में ना लगे, स्किन पे ना लगे। अगर स्किन पर लगती है तो कॉटन से रिमूव कर दें। अब मैं 15 मिनट वेट करूंगी, क्रीम अपना असर दिखा दे इतने। 15 मिनट रखने के बाद मैंने ये हेयर वॉश कर लिया है। अब मैं हैवी ड्रायर से बालों को सुखाऊंगी। ड्रायर हैवी होना चाहिए, तो नोवा का है, लोकल ही है, बट काम चल जाएगा। और फिर अच्छी प्रेसिंग मशीन होनी चाहिए, प्रेसिंग मशीन बहुत अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, बिल्कुल भी बीच में गैप नहीं होना चाहिए। जो ये गैप दिख रहा है इससे भी काम चल जाता है, लेकिन इससे भी अच्छी क्वालिटी की हो तो बेस्ट है। हैवी मशीन होनी चाहिए, ये फिलिप्स की मशीन है। अपने हेयर्स को मैंने अच्छे से प्रेसिंग कर लिया है, मैंने सिर्फ उतने ही पोस्चर पर प्रेसिंग किए जब जहां मैंने क्रीम अप्लाई की थी। अब मैं ये न्यूट्रलाइजर अप्लाई करने वाली हूँ। This is enough for my hair. Now I'm applying. Shake well. Help for my finger. Apply करूंगी अपनी ही उंगलियों से अप्लाई करूंगी। आप ग्लव्स पहनिए, फटाफट अप्लाई करूंगी। तो मैंने ये न्यूट्रलाइजर अप्लाई कर लिया है। आपको सिर को बिल्कुल भी मूव नहीं करना है, क्योंकि आपके जो बॉन्ड आपका टूटा है उस बॉन्ड को सेट करेगा न्यूट्रलाइजर। उसके बाद 15-20 मिनट मैं इसे रखूंगी, देन मैं हेयर वॉश करूंगी, फिर मैं ड्राई करूंगी, फिर मैं आपको अपना ये लुक दिखाऊंगी। तो मिलते हैं एंड में। सो या 15-20 मिनट मैंने न्यूट्रलाइजर को रखने के बाद हेयर को वॉश कर लिया था, देन मैंने ड्रायर किया है, एंड नाउ द लुक। कहीं से भी मेरे बालों में अब मुझे वो माई न्यू बॉर्न हेयर्स में मुझे वेव नहीं दिखाई दे रहा है। यू कैन सी मोस्टली न्यू बॉर्न हेयर्स यहाँ पे होते हैं। और यहाँ से मुझे फिनिश चाहिए था, तो ये प्रॉपर फिनिश आ चुका है। As you can see,
No way. Proper straight. So bye. Take care.